नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए बैंकर सक्सेस चैनल को और इस घंटे के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकर सक्सेस में। तो दोस्तों, आज बात करते हैं मैंने आरआरबी कलर्क मेंस के बारे में। आरआरबी कलर्क मेंस की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और उसका रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आरआरबी कलर्क मेंस का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर को। 12 नवंबर को एग्जाम हुआ था और जब नोटिफिकेशन आया था तो उसके रिजल्ट के बारे में नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा था कि जो आरआरबी कलर्क मेंस का अलॉटमेंट है, प्रोविजनल अलॉटमेंट, वो आपको मिलेगा जनवरी 2018 के अंदर। यानी इसका जो रिजल्ट है वो जनवरी 2018 के अंदर आएगा। अब इसके अंदर ये कोई फिक्स डेट नहीं है, पर ये जरूर है जनवरी 2018 के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो अपना रिजल्ट जनवरी 2018 के अंदर आ जाएगा। कल से जनवरी लग रही है, 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर कल से। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, जो भी अपने सब्सक्राइबर है, जो भी लोग व्यूज करते हैं और चैनल को लाइक करते हैं, उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और जनवरी 2018 के अंदर अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो श्योर है कि 21 जनवरी को आईयूपीएस कलर का पेपर है मेंस का, तो रिजल्ट अपना आएगा वो जनवरी के लास्ट वीक तक आएगा। जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के स्टार्ट में अपना प्रोविजनल रिजल्ट आरआरबी कलर का मेंस और आरआरबी जो ऑफिसर है उन दोनों का रिजल्ट एक साथ ही आएगा। उधर ऑफिसर की ज्वाइनिंग तो नहीं, वो प्रोविजनल जो इंटरव्यू के बाद अपना फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा, और इधर आरआरबी कलर्क का जो मेंस का रिजल्ट है वो आएगा और साथ में प्रोविजनल अलॉटमेंट भी आएगी। तो आज बात कर लेते हैं आरआरबी कलर्क मेंस की कट ऑफ के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट आरआरबी कलर्क मेंस का पेपर दे गया है, उन सभी से मैंने ये डाटा कलेक्टिव किया है भी क्या कुछ मेंस की कट ऑफ रह सकती है, कितने अटेम्प्ट हुए हैं, कितने नहीं हुए, किस स्टेट से कितने हुए हैं। तो उन सभी को मैंने कलेक्टिव किया और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी मेंस कट ऑफ 2017। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। क्वांटिटी जो अपनी कट ऑफ है वो रहेगी अपनी 12 से 14 नंबर के बीच। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की जो अपनी कट ऑफ है वो रह सकती है अपनी 14 से 16 नंबर के बीच। जर्नल अवेयरनेस जीके, जर्नल अवेयरनेस की जो कट ऑफ है वो रहेगी अपनी 10 से 13 नंबर के बीच। कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज की जो कट ऑफ है अपनी वो रहेगी 12 से 13 नंबर के बीच। और हिंदी वालों के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 17 से 20 नंबर के बीच। और जो इंग्लिश वालों के लिए कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 8 से 10 नंबर के बीच। अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की तो कट ऑफ सेम ही रहती है, कोई 1-2 नंबर का फर्क होता, ज्यादा फर्क नहीं होता। तो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ को 105 से 115 तक रह सकती है। कट ऑफ आरआरबी कलर्क मेंस 105 से 115। और SC ST के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो होगी 88 से 95 नंबर तक। ये होगी जनरल की, ये होगी SC ST की। तो ये था अपना आज का वीडियो आरआरबी कलर्क मेंस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आरआरबी कलर्क मेंस का रिजल्ट कब आ रहा है, कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो उन सभी स्टूडेंट की डिमांड पे ये वीडियो लेके आए हैं। तो जनवरी 2018 के लास्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि फरवरी के स्टार्टिंग और जनवरी के लास्ट में रिजल्ट आता होता है आरआरबी कलर्क और आरआरबी पीओ का। तो जिन्हीं भी भाइयों का कट ऑफ अटेम्प्ट इनसे ज्यादा है वो अपनी, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, 2018 बढ़िया होने वाला है। और जिन भी भाइयों का 21 जनवरी को आईपीएस कलर्क का पेपर है मेंस का, उनको भी बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपको बहुत सारी खुशियां दे और जॉब आपके हाथ में 2018 के अंदर, यही कामना करते हुए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।